हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम टैली की एक एडवांस टीडीएल फाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टैली की काफी लेटेस्ट और एडवांस टीडीएल फाइल है। इस टीडीएल फाइल की मदद से आप टैली सॉफ्टवेयर में ही अपनी काफी सारी वेबसाइट्स और अपने सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं। जैसे आप टैली सॉफ्टवेयर में रहते अपने ई वे बिल के पोर्टल में आ सकते हैं, जीएसटी के पोर्टल पे, इनकम टैक्स के पोर्टल पे, और साथ ही जीएसटी के चालान को भी जनरेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पेंट, अपनी जीमेल और गूगल, इन सबको टैली सॉफ्टवेयर में रहते हुए ओपन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं टैली की कौन सी एडवांस टीडीएल फाइल है और आप इसको किस तरह से यूज करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे कर लीजिए। आप यहाँ पर रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही यहाँ पर बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल पर आई टैली, ईवे बिल और जीएसटी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम टैली सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं और आज हम यहाँ पे आपको टैली की एक अमेजिंग टीडीएल फाइल को लोड करके दिखाएंगे। इस टीडीएल फाइल की मदद से आप टैली सॉफ्टवेयर में रहते हुए ही अपनी काफ़ी सारी वेबसाइट्स और अपने सॉफ्टवेयर्स को रन कर सकते हैं। यानी आप टैली सॉफ्टवेयर में रहते हुए अपनी जीएसटी के पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं, जीएसटी के चालान को जनरेट कर सकते हैं, अपने ई वे बिल के पोर्टल पर आ सकते हैं और साथ ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर भी आ सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अपने कुछ सॉफ्टवेयर्स को भी रन कर सकते हैं, जैसे एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, आउटलुक, अपनी जीमेल और साथ ही गूगल में भी यहां से ही जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस टीडीएल फाइल को लोड कर लेते हैं, जिससे आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारी वो टीडीएल फाइल है जिसका नाम है सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट टीडीएल फाइल। इस टीडीएल फाइल को टैली में लोड करने के लिए सिंपल अब इस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में आइए और सिक्योरिटीज वाले टैब में आके यहाँ से इसके फुल नेम को कॉपी कर लीजिए। इसे कॉपी करने के बाद आप दोबारा से टैली सॉफ्टवेयर में आ जाइए और गेट ऑफ टैली में रहते हुए अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो पर आ जाएंगे और यहां से सिंपल प्रोडक्ट एंड फीचर्स के अंदर आ जाइए। प्रोडक्ट एंड फीचर के अंदर आने के बाद यहां पर राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा मैनेज लोकल टीडीएल, या तो आप सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए या तो इसकी शॉर्टकट की है F4। इस पर क्लिक करते आप टीडीएल कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो पर आ जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन लोड टीडीएल फाइल ऑन स्टार्टअप, इस पर येस कर दीजिए और नीचे सेकेंड ऑप्शन में आके इस टीडीएल फाइल को आप पेश कर दीजिए, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+V। देन आप सिंपल इस टीडीएल कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो को एक्सेप्ट करा दीजिए। इसे एक्सेप्ट कराते आप देखेंगे यहाँ पे हमारी टीडीएल फाइल सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। तो आइए अब देखते हैं कि टीडीएल फाइल वर्क कर रही है या नहीं। अब जैसे हम इस टीडीएल फाइल को लोड कर लेंगे, आप गेट ऑफ टैली में सबसे नीचे की तरफ देखेंगे, हमें एक नया ऑप्शन शो रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट। ये ऑप्शन अभी आपकी टैली में शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप इस टीडीएल फाइल को लोड कर लेंगे ये ऑप्शन आपकी टैली में भी शो होने लग जाएगा। तो आइए देखते हैं ये किस तरह से वर्क करेगा। या तो आप सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए या तो इसकी शॉर्टकट की है F। इस पर क्लिक करते आप देखेंगे यहाँ पे हमारे सामने एक नई विंडो ओपन हो रही है, जिसके अंदर हमें लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट। अब यहाँ पे हमारे को काफ़ी सारी वेबसाइट और कुछ सॉफ्टवेयर भी शो हो रहे हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं ये वर्क कर रहे हैं नहीं। सबसे पहले लिखा हुआ ई वे बिल, तो जैसे ही हम यहाँ पे ई टाइप करेंगे हम यहाँ से ई वे बिल के पोर्टल पे चले आएंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम ई वे बिल के पोर्टल पे आ चुके हैं। अब इसके बाद हमारा लिखा है जीएसटी लॉगिन, तो जैसे ही आप यहाँ पे जी टाइप करेंगे आप जीएसटी लॉगिन पे आ जाएंगे। तो जीएसटी की वेबसाइट पर आप लॉगिन वाले पेज पर आ गए हैं। अब इसके साथ ही यहाँ पे क्रिएट चलान, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जीएसटी के पोर्टल पर चलान क्रिएशन की विंडो पर आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा इनकम टैक्स, और जैसे आप आई टाइप करेंगे आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो टैली की काफ़ी यूजफुल टीडीएल फाइल है, इसकी मदद से आप किसी भी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट सिंपल एक ही क्लिक में हो सकते हैं, जिससे आप टैली में वर्क करते करते डायरेक्ट उस वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। अब इसके बाद हमारा एमएस एक्सेल, तो आप चाहे अगर आपको टैली में काम करते समय एमएस एक्सेल की जरूरत हो तो सिंपल यहाँ से आप एम टाइप कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारा एक्सेल ओपन हो चुका है। इसी के साथ यहाँ पर हमारा एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस पेंट हमारा यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमारा पावर पॉइंट भी ओपन हो जाएगा। जैसे आप ओ टाइप करेंगे यहाँ पर हमारा पावर पॉइंट ओपन हो गया। नेक्स्ट है हमारा एमएस एक्सेस, अगर आप एमएस एक्सेस पे वर्क करते हैं तो यहाँ पे सिंपल ए टाइप कर दीजिए, और अगर आप आउटलुक पे कोई मेल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिंपल यू टाइप कर दीजिए। अगर आपको कैलकुलेटर का यूज़ हो तो यहाँ से आप एल टाइप कर दीजिए, यहाँ पे हमारा कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। इसी के साथ अगर आप जीमेल में लॉगिन करना चाहते हो तो सिंपल यहाँ पे जी टाइप कर दीजिए, आप यहाँ पे जीमेल पे आ जाएंगे। तो टैली की काफ़ी यूजफुल टीडीएल फाइल है। लास्ट इसमें हमारा गूगल है, अगर आप गूगल में कोई काम करना चाहते हो तो यहाँ से सिंपल गूगल पे क्लिक कर दीजिए। तो टैली की काफ़ी यूजफुल और अमेजिंग टीडीएल फाइल है। इस टीडीएल फाइल की मदद से आप काफ़ी सारी वेबसाइट और सॉफ्टवेयर में सिंपल टैली पर वर्क करते समय ही रीडायरेक्ट हो सकते हैं। वॉचिंग दिस वीडियो।